नमस्कार सर जी। नमस्कार नदी सर, परिचय दे दीजिए सर, आपका क्या नाम है? जी हेमराज। हेमराज जी हो सर जी, है ना। और ये एड्रेस कहाँ का है सर? ये पुष्कर में है सर। पहले अपना भीम गांव में था सर। अभी क्या है आपके पास, कितने गोट वगैरह है अभी? अभी दो बच्चों वाली बकरी भी है। अच्छा। और कुर्बानी के बकरे भी है। कुर्बानी के बकरे भी है, कुर्बानी के बकरे शामिल है उसमें। अच्छा तो और सर, हाँ, अच्छा। और छोटा है ये बच्चा, लेबो चाहता है तो बच्चा भी है अलग। अच्छा, बच्चे भी है। बच्चा भी ये छोटा वाला बच्चा तो कुर्बानी में काम आएगा नहीं। अच्छा, तो अपने पास कौन से वाली उम्र के हैं जो अभी कुर्बानी काम? मेरे कुर्बानी के लिए ये तो 8-9 महीना के है। अच्छा। और छोटा भी 3-4 महीना का बच्चा भी है। अच्छा, 3-4 महीना का बच्चा है। अच्छा, वो ये पालने के पर्पज से है मतलब? पालने के। और ये कटिंग के हिसाब से है? नहीं, कटिंग का नहीं, पालने के हिसाब से है। और कुछ बड़े होंगे जो ईद के पर्पज से? हाँ, ईद में बड़े है जगह ईद के लिए। ये तो बच्चे वाली बकरी है। अच्छा, ये बच्चे भी साथ है कि ये? हाँ, बच्चे है। हाँ, बच्चा भी है नहीं उसके साथ है, ये बच्चा है, दोनों इसी के साथ में। हाँ, बच्चे इसके साथ में है। अच्छा, ये दोनों बच्चे इसके साथ है। एक तो सेम इसी का जैसे का जैसे ही हुआ है और एक अलग है। कितनी उम्र के होंगे साहब ये? 3-3 महीना के बच्चे। 3-3 महीने काफी बड़े सींग आ जाते हैं। 3 महीने सींग आ जाते हैं। हाँ जी, 3 महीने काफी वेट गेन किया है। हाँ, तो वेट हो जाता है। हाँ, वेट तो होगा उसका। ये कुर्बानी का है, ये वाला ये कुर्बानी का है। अच्छा, ये वाला। हाँ जी, ये कुर्बानी का है, ये कुर्बानी का है, ये। अच्छा, ये छोटा बच्चा है, 3 महीने 4 महीने के बच्चे हैं। और ये वाले? ये भी 3 महीने 4 महीने के बच्चे हैं। ये पट भी है। अच्छा, उसके शामिल है, उसके पट भी है इसमें। अच्छा। ये प्रेग्नेंट बकरी भी है, ये वाली। ये भाई प्रेग्नेंट है, ये वाली प्रेग्नेंट है। वही प्रेग्नेंट है, पहली बार की है ये वाली। पहली बार की है? हाँ, पहली बार है। ये कौन सी वाली है? ये सिरोही है। सिरोही है। हाँ जी, अजमेरी में आ जाती है। हाँ, अजमेरी। कान तो काफी अच्छे लंबे हैं इसके, तो ऐसे देखा नहीं कभी ऐसे? नहीं, कान तो ऐसे लंबा आते हैं। सिरोही के ओरिजिनल सिरोही के रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, काफी अच्छे बड़े कान है इसके, बड़े कान है उसका। हाँ जी, छांट के लेते हैं। अच्छा, उसमें ये सोजत का भी है अलग। ये बच्चा सोजत का भी डाला हुआ है। अच्छा, एक मिनट दिखा देता हूं। ये दोनों बच्चे सोजत का है। अच्छा। ये नमूना कहते हैं, को ऑर्डर आता है तो सोजत का भी दे देते हैं। अच्छा, जैसे ऑर्डर देते हैं तो सोजत का बच्चा ला के दे दूंगा। अच्छा, इधर आओ आप, इधर आओ। हाँ जी, छोड़ो आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो, एक 2 पीस लेगा। हाँ। जब तक खड़ा दूंगा मैं। अच्छा। और 10, 20, 50 लेगा तो उसका तोल में दे दूंगा। अच्छा, तोल में दे दूंगा बोले। खड़ा मतलब कि नग के हिसाब से? नग के हिसाब में 1-2 पीस लेता है तो वो नग के हिसाब से देता हूँ। अच्छा। जैसे कैसे आते हैं लोग, आते हैं कि मेरे को 2 पीस ही चाहिए मेरे पसंद का। हाँ। तो मैं खड़ा ही देता हूँ। अच्छा। और जैसे क्यों 50 नंग चाहिए उसका तोल पे बात कर लेते हैं। अच्छा, उसमें तोल में देते हैं। तो सर ये जैसे मतलब आप उनको छांट के दोगे अच्छे? हाँ, से जैसे बिल्कुल छांट के। एक तो होता है कि जैसे आप कलेक्शन करके लेके आए तो वो छांट के लेके आते हो, आपने तो छांट के लाते हैं। और भी छांट के आग लो, छांट के लो नहीं माल। अच्छा, छांट के पैसे लेंगे तो छांट को देंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है मतलब? कोई दिक्कत नहीं है, जो पसंद आएगा वो ले जाओ माल। एक कुर्बानी के बकरे है जो 50-55-60 किलो के, 50-55 किलो के बकरे है। अच्छा। अभी 10 पीस है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, 10 पीस भी रखा हूँ मैं। अच्छा, सैंपल के हिसाब से। सब कस्सी है, एक ही है इसमें अंडू, एक ही है और सब कस्सी है। अच्छा, सिरोही है सारे? हाँ जी, सब सिरोही है। 2 ही पीस है इसमें तो सोजत का। तो कितने किलो का होगा ये, जैसे ये वाला है, ये कितने किलो का होगा? करीब ये तो 60 किलो का आसपास होएगा। 60 किलो का आसपास। हाँ जी। और कितनी उम्र का होगा ये? ये 12 महीना का होगा। ये 2 दांत है, वो है 2 दांत है। ये अदंत है, ये वाला अदंत है। ये अदंत है, वो 2 दांत है। तो सींग आगे इसके आ जाते हैं इसमें, इतने बड़े बड़े सींग? हाँ, सींग तो हो जाते हैं, सींग तो हो जाते हैं। तो रेट क्या रखी जी आपने यहाँ पे उसके कुर्बानी के बकरे के? कुर्बानी के 320 रुपये। 320 रुपये कुर्बानी के? हाँ जी। और 40 किलो 60 किलो। अच्छा, और उससे ज़्यादा कम? उसके बड़ा होता है तो कुछ बड़ा पैसे हो जाते हैं। अच्छा, और कम होते तो? और कम होता है तो कम हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ अच्छा, 300 रुपये में हो जाता है। जैसे 35 किलो 40 किलो लगेगा तो मतलब पानी वानी का सिस्टम नहीं, पानी का सिस्टम नहीं है। आप आग लोग कस्टमर सुबह सुबह आके तुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी तुलाओ, कभी तुलाओ आपकी अच्छा उधर। सुबह रात पर रुको, रुक के और सुबह सुबह तुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं 300 रुपये में लोग दे रहा है, मैं 320 क्यों मांग रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, ये बात है। 20 रुपये किलो का इसलिए तो मांग रहा हूँ मैं, बता। और वो बढ़ा के दूंगा तो वो 2-3 किलो बढ़ जाएगा, मतलब खिलाई पिलाई का अच्छा होएगा इधर। बिल्कुल हाँ, सही बात है। तो आपके पास ये सैंपल है तो मतलब इस तरीके से जो अभी जो सर ये बिकाऊ तो नहीं है, ये वाले नहीं बिकाऊ है, सब बिकाऊ है। अगर किसी पार्टी को पसंद आता है ये, हाँ बिल्कुल देंगे, हाँ बिल्कुल देंगे। सब पीस में फार्म का ऊपर है जो सब बिकाऊ है, किसी के मतलब है? हाँ नहीं, सब बिका हुआ अपने पास। और ये वाले, ये कितनी उम्र का है ये वाला? ये जो है ये 12 महीना हो गया। 12 महीना का? हाँ जी, ये 12 महीना हो गया। ये अजमेरी में आ जाता है? हाँ अजमेरी, ये अजमेरी में 12 महीना है। और ये बकरी, ये प्रेग्नेंट बकरी है, प्रेग्नेंट बकरी है। अच्छा, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपके? 9001 1644 9001 1644 44 0001। हाँ जी। और एड्रेस यही का है या गांव का भी है अपना? गांव का भी है, यहाँ का भी है। अच्छा, ये पुष्कर में, पुष्कर में। हाँ कौन सा? नागौर हाईवे? नहीं, हाँ नागौर हाईवे है, अजमेर जिला में पड़ते हैं। हाँ पुष्कर में आता है। हाँ पुष्कर में आते हैं। मैं नागौर जिला में रहता हूँ। अच्छा, पी गांव में। और मेरा फार्म ये पुष्कर का महीना है। अच्छा, पूजा गोट फार्म के नाम? पूजा गोट फार्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका।